Hello everyone, this is Sanjeev from Javitri Academy. Today I am going to explain chapter 2, sex reproduction in flowering plants, class 12 subject biology. Today's topic is cross pollination. Cross pollination को हम लोग xenogamy के नाम से भी जानते हैं. Cross pollination क्या है? Cross pollination है कि जो pollen grains हैं, एंथर से जो पॉलिन ग्रेन्स बस्ट होने के बाद निकलते हैं, उनका किसी दूसरे प्लांट पर पहुंच जाना. हो सकता है कि वो प्लांट जेनेटिकली डिसिमिलर भी हो सकता है कि वो जेनेटिकली सिमिलर भी हो, तो उस प्लांट के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन्स का पहुंचना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है. जैसे कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के जो फ्लावर्स, ये जो फ्लावर है उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उसका इस प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाना, स्टिक हो जाना स्टिग्मा पर जाकर, तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन. प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ एजेंसीज होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को कराती हैं. उन एजेंसी में फर्स्ट जो एजेंट है, जो एजेंसी है, वो है विंड. अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, बाई विंड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिमोफिली. एनिमोफिली में जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है बाई द करियर, बाई द एजेंट, विंड के थ्रू होता है, जिसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं. क्या होता है इसमें, कुछ कंडीशंस हैं किस तरीके की जो फ्लावर्स होते हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं. तो ये देखा गया है कि जो विंड के थ्रू जो पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, वो सेंटेड नहीं होते हैं. मीन्स उसमें कोई महक नहीं होती है, ना उसमें कोई नेक्टर होता है. नेक्टर के लिए इंसेक्ट काम करते हैं, वो एंटोमोफिली में पढ़ाएंगे आपको. पॉलिन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, यानी कि गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, जिससे कि वो आसानी से उड़ सकें, आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर सकें बाय द हेल्प ऑफ विंड एंड रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, आइदर द जेनेटिकली डिसिमिलर और सिमिलर. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, देखा गया है कि जैसे एक फ्लावर है यूट्रिका, जिसको हम कॉर्न कॉम भी बोलते हैं, यूट्रिका डायोशा, जिसको हम लोग कॉर्न कॉम भी बोलते हैं. उसमें ये देखा गया है कि जनरली एक ही ओप्यूल होता है, एक ओप्यूल से ही काम होता है इसमें. विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं उनमें बेल एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं, मीन्स स्टैमन जो होता है, स्टैमर हो गया और स्टिग्मा हो गया, वो बेल एक्सपोज होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन खुले हुए होते हैं, जिससे कि आसानी से पॉलिनेशन हो सके. कुछ एग्जांपल हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्पफुल हैं, जिनमें पॉलिनेशन होता है. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें देखा गया है कि जनरली विंड पॉलिनेशन होता है, यानी कि उसमें एनिमोफिली के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो वो भांग, मेज, ग्रास, ये मेनली कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एनिमोफिली होता है, विंड के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो ये है एनिमोफिली के बारे में. नेक्स्ट हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन है, इसमें जो एजेंट है वो क्या है, वाटर है. मीन्स ये हाइड्रोफिलस प्लांट में होता है, जो एनिमोफिली था वो एनिमोफिलस प्लांट में होता है पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोफिली में होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो वाटर में सबमर्ज रहते हैं. हो सकता है बॉटम में सेटल हो, या हो सकता है सरफेस पर रहने वाला हो, सरफेस फ्लोटर हो. तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू होता है. कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन है, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होने चाहिए बट कवर्ड विद बैग्स. जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं इसमें वो लाइट वेट के होते हैं और उनके ऊपर एक बैग सी कोटिंग होती है, जिससे कि वो पानी उसको ख़राब ना कर सके, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैग सी कोटिंग. सेंटेड कलर, नेक्टर, ये अब्सेंट होता है, ना तो उसमें कोई महक होती है, ना उसका कोई प्रॉपर कलर होते हैं, या पॉलिन ग्रेन्स का जो पेटल्स होते हैं ना वो सेंटेड होते हैं, ना कलर होते हैं, ना उनमें कोई नेक्टर होता है. फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्सपीयस होते हैं, संक्षिप्त रूप में होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये फ्लावर है क्या है. स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है बट अनबटेबल. स्टिग्मा होता कैसा, स्टिकी होता है, ये मीन्स उस पर पॉलिन ग्रेन्स चिपक तो जाएंगे, ठीक है, स्टिकी होता है, लेकिन वो अनवेटेबल होता है, गीला नहीं होता है, वो एक वाटर की सरफेस से थोड़े ऊपर भी रह सकते हैं वो. कुछ पॉलिनेशन जो है
जो सरफेस पर होता है, सरफेस वाटर, उसमें एक प्लांट का एग्जांपल इसका नाम है जॉस्टेरा, जिसमें कि सरफेस वाटर पर पॉलिनेशन होता है। एक सबमर्ज वाला होता है जिसका नाम है स्रेप्टोफाइलम डर्मेसम। तो इसमें जो पॉलिनेशन जो हो रहा है, ये सबमर्ज प्लांट है, ये सरफेस वाटर पर फ्लोट करने वाला है, सरफेस पर रहने वाला प्लांट है जॉस्टेरा। तो इनके फ्लावर में ये पॉलिनेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बहते हुए जाते हैं, और उस जो प्लांट जो है नेक्स्ट उसके स्टिग्मा को जाके स्टिकी हो जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ट्यूब जनरेट होती है, देन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर। थैंक यू एवरीवन।